वट सावित्री व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। रोली मोली चावल गुड़ भीगा हुआ चना फूल जल से पूजा करके सूत को बड़ पर लपेटती हैं और चारों ओर फेरी लगाती हैं। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने जाते हैं। फिर कहानी कही जाती है। सामर्थ्य अनुसार भीगे चनों में पैसे रखकर सीधा निकाला जाता है। फिर हाथ फेरकर सासू माँ के पैर छूकर सीधा दिया जाता है। कहानी मध्य देश में एक वीर पराक्रमी और ज्ञानी राजा राज करते थे। उनका नाम अश्वपति था। राजा का भवन धन संपत्ति से तो संपन्न था, लेकिन एक संतान के बिना उसे अपने घर का आंगन सूना सूना दिखाई देता था। सोचता था कि मेरे मरने के बाद इस राज संपदा का क्या होगा। एक दिन पुत्र पाने के लिए राजा ने सरस्वती जी का यज्ञ किया। सरस्वती जी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और राजा से कहा, वर मांगो। हाथ जोड़कर राजा ने अपनी इच्छा प्रकट करके कहा, हे देवी, आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, परंतु एक पुत्र की कमी है। इसकी पूर्ति आपकी ही कृपा से हो सकती है। माँ सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम्हारे भाग में संतान का सुख है ही नहीं, परंतु हाँ, यज्ञ के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ एक पुण्यवती पुत्री अवश्य पैदा होगी, जो दोनों कुलों की कीर्ति पताका फहराएगी। उसका नाम तुम सावित्री रखना। समय पाकर राजा अश्वपति की रानी के गर्भ में एक सुंदर सुशील कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत तेजस्वी कन्या थी। चंद्रकला की बात दिनों दिन बढ़ने लगी तो राजा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। तो राजा ने बेटी से स्वयं कहा कि तुम अपने योग्य वर चुन लो। सावित्री अपनी पिता की आज्ञा से वृद्ध मंत्री के साथ वर ढूंढने निकली। वर ढूंढकर जिस समय वृद्ध मंत्री के साथ वह अपने घर वापस लौटी, तो उस समय वहाँ नारद जी राजा के पास बैठे थे। ऋषि के पूछने पर सावित्री ने कहा, मैंने धूम्रसेन के बेटे सत्यवान के साथ शादी करने का निर्णय लिया है, और आगे कहा कि धूम्रसेन राज छिन जाने के कारण अंधे होकर रानी सहित वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सावित्री की बातें सुनकर ऋषि नारद जी बोले, हे बेटी, तुमने उत्तम वर का वरण किया है। इसके समान गुण वाला, सदाचारी, रूपवान, शीलवान और कोई व्यक्ति नहीं है। वह सत्य की मूर्ति और सद्गुणों की खान है, लेकिन उसमें एक भारी दोष है कि वह अल्पायु है। वर्ष समाप्त होते होते उसका शरीरांत हो जाएगा। नारद जी की बातें सुनकर राजा अश्वपति बहुत ही चिंतित और दुखी हुए। उनका विचार बदल गया और बेटी से कहा, बेटी, क्षीण आयु के साथ विवाह करना ठीक नहीं। सावित्री बोली, पिताजी, आर कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है तथा कन्यादान एक बार ही किया जाता है। मैंने जिसके चरणों में हृदय पुष्प अर्पण करने का एक बार वरण कर लिया है, इसके विरुद्ध दूसरा वर चुनना असंभव है, चाहे वह अल्पायु हो या दीर्घायु। वह मेरा स्वामी है, वह मेरा सर्वस्व है। सावित्री के दृढ़ संकल्प को देखकर ऋषि नारद जी ने राजा को समझाया कि सावित्री का विवाह सत्यवान ही के साथ कर देना उचित है। इसमें अब सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। राजा अश्वपति ने शास्त्र की रीत से वन में ही सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। फिर अपने राज लौट आए। उसी दिन से सावित्री ने अमावस्या का व्रत करना शुरू कर दिया। पार्वती जी की पूजा करने लगी। सावित्री देव ऋषि की वाणी को भूली नहीं थी। एक एक दिन
गिनती जाती थी। उसने जब यह देखा कि पतिदेव की मृत्यु के केवल 3 दिन शेष हैं, तब वह उपवास करने लगी। संयोगवश उस दिन त्रयोदशी थी। तीसरे दिन उसने अपने पितरों की पूजा की और पार्वती जी की पूजा करके उनके मांग का सिंदूर लेकर प्रतिदिन की भांति वह सत्यवान के साथ कुड़ाली लेकर लकड़ी काटने चल दी। सत्यवान ने रोका कि घर पर पिता माता अकेले हैं। वह सास ससुर से बोली, माताजी पिताजी आज मुझे भी वन जाने की आज्ञा दें। उन्होंने आज्ञा दे दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह परेशान हो गया और दर्द का कारण इतना व्याकुल हुआ कि नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जांघ पर सत्यवान को लिटा लिया। थोड़ी देर बाद यमदूत आ गए, परंतु सावित्री के तेज के कारण वापस लौट गए। तब स्वयं यमराज आए। उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया और सत्यवान के प्राण हरण कर लिए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चले, तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यमराज ने उसको साथ साथ चलते देखा तो कहा, पतिव्रते तूने बहुत दूर तक पति का साथ दिया, अब इसके आगे मनुष्य की गति नहीं, तू लौट जा। सावित्री ने कहा, महाराज स्त्री के लिए पति सर्वस्व है, उसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। फिर आपकी दया और तप के प्रभाव से मेरी गति तो को कोई नहीं रोक सकता है। सावित्री की वाणी सुनकर यमराज बोले, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू सत्यवान को छोड़कर जो चाहे वर मांग ले। सावित्री ने कहा, महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करो कि मेरे अंधे सास ससुर की आँखें ठीक हो जाए और उनका गया हुआ राज पुनः वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चल दी। जब यमराज जी ने देखा तो कहा, सावित्री हट मत कर, अब लौट जा। यमराज की बातें सुनकर उसने कहा, महाराज मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति अनुगमन करना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने कहा, तेरे धर्म और श्रद्धा युक्त वचनों को सुनकर परम प्रसन्न हुआ, अतः यह तू चाहे तो एक बार और मांग सकती है। सावित्री बोली, यदि आप खुश हैं तो मेरे पिता के आंगन में 100 पुत्रों से भर दीजिए, जिससे मेरे वृद्ध माता पिता के हृदय की लालसा पूरी हो जाए। यमराज जी ने यह भी वरदान दे दिया। इतने पर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। यह देखकर यमराज जी ने करुणपूर्ण वचनों से पुनः समझाया कि सावित्री इस दुर्गम मार्ग में चलने में तुम्हें असह्य कष्ट होगा, आगे न चलो। सावित्री ने कंपित शब्दों में कहा, हे भगवान मेरी गति तो पति तक ही है, जहाँ मेरे जीवनाधार प्राणेश्वर जा रहे हैं मेरी गति वहीं तक है, उसे छोड़कर मेरे लिए और कहाँ स्थान हो सकता है। आप संत हैं, सज्जन हैं, संतों का तो स्वभाव कोमल निश्चल निर्मल होता है, फिर मुझे हवागिन जैसी दीनहीन दया पात्री और कौन होगी। सावित्री की दशा देखकर यमराज का हृदय द्रवीभूत हो गया और सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, सावित्री तेरी बातों से मेरे हृदय में एक और वर देने की इच्छा हो रही है, तू सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी मांग ले। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान पतिदेव के बिना न मुझे धन संपत्ति चाहिए, न सुख की चाह और न जीवन की लालसा, किंतु आपकी आज्ञा सिरोधार करके यह याचना करती हूँ कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने तथास्तु कह दिया। सावित्री के पीछे पीछे आते हुए यमराज जी बोले, हे बेटी अब क्यों आ रही है। सावित्री ने कहा, हे महाराज जब आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं तो मैं कैसे पुत्र सुख पा सकती हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान को बंधन से छोड़ दिया और सावित्री से कहा, हे सती तुझे स्वाग सुख नहीं था, लेकिन बरसाते के दिन अमावस करने से पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो गया है,
आज के बाद तू इस व्रत को करती रहना और सबको इस व्रत के बारे में बताना। इधर सावित्री ने देखा कि वट व्रत के नीचे पड़े मृत शरीर में प्राण का संचार हो रहा है। सत्यवान उठकर बैठ गए और सावित्री के साथ घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा माता पिता की आंखों में रोशनी आ गई है और खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है। कहानी के अंत में पूजा करते समय माँ पार्वती से कहना, जैसा स्वागत तुमने सावित्री को दिया वैसा स्वागत सभी को देना। जो इस कहानी को सुने या सुनाए उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। बरसात अमावस को ही बट सावित्री बट अमावस्या अथवा बरसात अमावस कहते हैं। आरती। ओम जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता ब्रह्माणी रुद्राणी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता। हिमाचल घर में जन्मी सुख वैभव पाता। ओम जय पार्वती माता पर्वत वासिन संकट नासिन अच्छे वर पाता मैया अच्छे वर पाता। सुर नर मुनि गण ध्यावत जन जन गुण गाता। ओम जय पार्वती माता सुमन सुम बिडारे कर में खड़ग लिए मैया कर में खड़ग लिए। सहस्र भुजा तनु धर के असुर संहार किए। ओम जय पार्वती माता तुम ही सबकी माता तुम जग हितकारी मैया तुम जग हितकारी। भक्तन के दुख हर के कहलाती भवयारी। ओम जय पार्वती माता श्री पार्वती जी की आरती जो श्यामा गावे मैया जो श्यामा गावे। रिद्धि सिद्धि पाकर मन वांछित फल पावे। ओम जय पार्वती माता ओम जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता ओम जय पार्वती माता।